नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह मुराद देख रहे हैं कमालिया। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल यहां पे खबर निकल कर आ रही है सामने नेपाल के लिए। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराने की बातें चल रही है नेपाल के द्वारा, जिस इतिहास के कारण नेपाल को हर बार बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और कहीं न कहीं इस सिचुएशन का इलाज अब मैं बता सकता हूं कि केवल और केवल जनता के पास है, क्योंकि राजनेता तो इसका इलाज नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है इस वक्त जो कि नेपाल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो राजशाही नेपाल से गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, यानी कि जब से राजशाही गई है और लोकतंत्र आया है, जनता का राज आया है, जनता अपने द्वारा यहाँ पे नेताओं को चुनकर आगे भेजती है और उसके बाद प्रधानमंत्री बनता है, उसके बाद जो भी यहाँ पे हम कहें कि सिस्टम होता है वो उसके हिसाब से मंत्री परिषद जिस जो भी चीजें हैं वो बनती हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में एक बार भी नेपाल के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत का सवाल है। सरकार का गिरना ना केवल बच्चों की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। ना केवल ये मैं कह रहा हूँ कि चुनाव होंगे दोबारा से जिसमें खर्चा लगेगा, बल्कि एक सिस्टम जो कि देश का चलाता है सरकार, अगर वो गिर जाती है तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्रिटिकल होता है। उसके अंदर फैसले लेने वाला कोई नहीं होता है, और हम कहें कि एक सुव्यवस्थित ढंग से जो सिस्टम चल रहा था, मैनेजमेंट चल रहा था, वो सही नहीं बैठता है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे नेपाल के साथ हर बार होता आया है, कुछ इस प्रकार से अब की बार भी होने वाले होने की आशंकाएं जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आपको सभी को पता ही है वैसे तो, जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है वो अभी प्रधानमंत्री हैं, और उनके साथ एक संयोग में कहें या फिर हम कहें कि जो गठबंधन है वो यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र पार्टी, जो कि आज की सबसे युवा पार्टी है, और वो यहाँ पे गठबंधन में आई, जो कि लीडरशिप है उनकी, उनके जो यहाँ पे संदीप लामिछाने के हाथ में, और जब वो यहाँ पे आए तो उन्हें डिप्टी पीएम का पद दिया गया, गृह मंत्रालय का पद दिया गया, यानी कि बड़े बड़े जो पद हैं वो उन्हें दे दिए गए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे जो रवि लामिछाने है उनके साथ फेस करने को मिली। वो पहले अमेरिका में रहते थे और उनके पास जो नागरिकता थी वो अमेरिका की भी थी और यहाँ पे नेपाल की भी थी, तो दोहरी नागरिकता वाला यहाँ पे जो कोई भी प्रशासनिक कार्य है, जो कोई भी यहाँ पे राजनीतिक कार्य है, उसके अंदर भाग इन्वॉल्व नहीं कर सकता किसी भी पद के रूप में। और इसका फैसला यहाँ पे पहले भी आपको पता है, वो ज्यादा बातें करने की हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, उसका फैसला कोर्ट के अंदर आ गया 27 जनवरी को। उसमें यहाँ पे जो रवि लामिछाने है उनको दोषी पाया गया और उन्हें उन सभी पदों से जो उनके पास अभी तक थे उनसे सभी से हटा दिया। लेकिन यहाँ पे तो 29 जनवरी को कुछ नया ही क्रिएटिव घटना घटती है, और जो यहाँ पे रवि लामिछाने है अब वो नागरिकता ले लेते हैं नेपाल की और दोबारा से अपने पद को लेने की मांग करते हैं, यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड को दोबारा से जाके कहते हैं कि अब दोबारा से मुझे वही चीजें वापिस दीजिए। लेकिन पुष्प कमल दहल प्रचंड इस पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्हें वापिस वो पद नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हम कह सकते हैं गठबंधन के रूप में, और वैसे भी सबसे यंगेस्ट पार्टी है, और दूसरी बड़ी बात की चौथे नंबर की सबसे बड़ी यहाँ पे हम कहें कि सीटें लेने वाली पार्टी है। तो कहाँ कहीं पे देखा जाए तो 20 सीटें उनके पास हैं, 20 सांसद उनके पास है, और वो यहाँ पे हटाने की बात कर रही है। और अगर वो हटा लेते हैं तो ये गठबंधन टूट जाएगा और बहुमत की सरकार नहीं रहेगी। अगर बहुमत की सरकार नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं इस पूरी सिस्टम को, जो यहाँ पे हम कहें कि गवर्नमेंट का रूल है, अधिनियम है, उसके